नेतृत्व हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी से अनुरोध करता हूं, वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री का बड़ी माला से हम सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी की सरकार बनाए। बोलिए आप सबके मन में है तो फिर बोलिए मेरे साथ। आज हम संकल्प लेते हैं कि चौथी बार मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लीजिए मेरे साथ संकल्प और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों से अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को हम बुलाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करता हूँ आप आए और भारत की रिबिंद क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आप सबके आशीर्वाद के लिए प्रस्तुत किया है। सबसे पहले रीवा से श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, गुड़ से श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, सीधी से श्रीमान केदारनाथ जी, देवतालाब से श्रीमान गिरीश गौतम जी, मनगांव से श्रीमान पंचुलाल प्रजापति जी, त्योथर से श्रीमान श्यामलाल द्विवेदी जी, रेगांव से श्रीमान जुगल किशोर बागरी जी, अमरपाटन से श्रीमान राम खिलावन पटेल जी, चित्रकूट से श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, सिरमौर से श्रीमान दिव्यराज जी, चूरहट से श्रीमान सत्येंदु जी। भारत माता की, भारत माता की। विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना पंचेन का प्रणाम। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बने किसकी न बने, कौन दल जीते कौन दल हारे, इतने सीमित हेतु के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश में आप मुझे बताइए, ये सूरज मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, ये सूरज मोदी के आने के बाद निकला क्या? पहले सूरज था कि नहीं था? सूरज उगता था कि नहीं उगता था? पहले भी रोशनी देता था कि नहीं देता था? मोदी के आने पहले भी देता था कि नहीं देता था? भाइयों बहनों, 50 साल तक कांग्रेस की सरकारों को सूरज नहीं दिखाई दिया, 4 साल में मोदी को सूरज की ताकत दिखाई दी। कैसे फर्क आता है। सूर्य ऊर्जा में 50 साल में जो काम हुआ, हमने 4 साल में 9 गुना ज्यादा उस काम को कर दिया। 72 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आज देश में हमने उत्पादन करके दे दिए। भाइयों बहनों, हमारे मध्य प्रदेश में
55 साल कांग्रेस ने किया बेहाल, 55 साल कांग्रेस ने किया बेहाल, और 30 मेगावाट नवीनीकरण वाली ऊर्जा 30 मेगावाट थी भाइयों बहनों, हमारी 15 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट। बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे नेता को, हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी तन्मयता के साथ सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 28 तारीख को एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।